as you can see here on the board, I am here in front of you to give you information about G20. Today is really very lucky day. I am speaking on the confluence of two occasions. One is G20 and another, as you can see on the board, that is World Environment Day. In the end of the speech, I will tell you how there is connect between G20 and World Environment also. Dear students, सारे छोटे बच्चे भी इधर ध्यान देंगे प्राइमरी वाले। G20 क्या चीज है? जी में से जी का मतलब है ग्रुप और 20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इन द डेकेड ऑफ 1990s द वर्ल्ड वॉज अंडरगोइंग इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी चल रही थी, विश्व की अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो रही थी और ऐसे समय में एक ग्रुप था 7 देशों का जिसको G7 बोला जाता था। विश्व की जो स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमीज थी जिसमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इटली और जापान, ये देश शामिल थे। इन देशों की हर साल मीटिंग होती थी लेकिन 1999 में उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि देयर इज अ नीड टू इंक्लूड डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो इन द ग्रुप सो दैट वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर कैन बी मेंटेन्ड प्रॉपरली। 1999 में उन्होंने ये डिसीजन दिया कि G7 में डेवलप के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज भी होनी चाहिए और ऐसी विश्व की चुनिंदा 20 कंट्रीज को चुना गया जिसमें डेवलपिंग और डेवलप दोनों कंट्रीज आती है। इसमें 19 कंट्रीज है और एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट इज कॉल्ड एज EU, यूरोपियन यूनियन, जिसमें यूरोप के बहुत सारे देश आते हैं। तो ये 20 यूरोप के कंट्री, वर्ल्ड के कंट्रीज का ये समूह है। क्यों बनाया गया ये समूह, क्या उसका उद्देश्य था, कहां बनाया गया, पहला इसका जो समिट थी, अधिवेशन था, वो कहां पर हुआ था? तो हालांकि ये ग्रुप 1999 में बन गया था, सभी लोग ध्यान से सुनना, इसका पहला जो समिट है वो 2008 में Washington DC अमेरिका में हुआ। उसके पीछे एक रीजन था, आपके टीचर्स जानते हैं, आप लोग तो बहुत छोटे थे, 2008-09 वैश्विक महामंदी का साल था और वैश्विक महामंदी के समय विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही थी, धराशायी हो रही थी और ऐसे समय में विश्व के सारे देशों का इकट्ठा होना और उनका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा और निर्णय लेना बहुत ज्यादा आवश्यक था। इसलिए 2008 का पहला समिट G20 समिट Washington DC अमेरिका में हुआ और उसके बाद एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ G20 एवरी मेंबर कंट्री होल्ड्स मीटिंग और समिट ऑफ G20 एवरी ईयर। तो वैसा ही ये जो मौका है G20 का 2023 में, व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग 75th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन फ्रीडम, एट दैट टाइम इंडिया हैज गॉट दिस वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू होल्ड G20 समिट इन अवर कंट्री। जैसे कि आपको मीडिया बताता है कि इंडिया की बढ़ती पहचान की वजह से हिंदुस्तान में G20 हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक कंट्री में वो G20 होता है जो इसका सदस्य है। जैसे कि 2022 का समिट इंडोनेशिया में हुआ था और 2024 का समिट अगला ब्राजील में कैरेबियन कंट्री में होने वाला है। तो यहां तक हम लोग आ गए कि G20 का फाउंडेशन क्यों हुआ। अब G20 के जो सदस्य हैं वो डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज है, ये भी मैंने आपको बता दिया।
G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, जैसे कि यूनो यूनेस्को इनका मुख्यालय होता है, इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। ये G20 है, इसको बनाया क्यों गया था? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बनाया गया था विश्व के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर चर्चा करने के लिए। विश्व में जो समस्या है, वैश्विक समस्या है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और बढ़ती हुई आर्थिक समस्याएं, आर्थिक जो टैक्सेस है विश्व के अलग अलग कंट्रीज में, उनमें आया हुआ असंतुलन, इस पर चर्चा करने के लिए ये समिट हर साल की जाती है। तो विश्व के सारे सदस्य इसमें इकट्ठा होते हैं। इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? इसमें पार्टिसिपेट करता है हर एक सदस्य देश का या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। G20 का समिट केवल एक दो दिन नहीं होता है, जिस भी कंट्री में समिट होता है साल भर इसके अलग अलग कार्यक्रम उस देश के अलग अलग सिटीज में चल रहे होते हैं। जैसे हिंदुस्तान में G20 का पहला जो चरण था दिसंबर 2022 में जयपुर में हुआ था, उसके बाद पुणे में हुआ था और अब अलग अलग शहरों में ये चल रहा है। लेकिन राष्ट्राध्यक्षों का जो समिट है वो सितंबर 2023 में होने वाला है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष डायरेक्ट समिट में हिस्सा नहीं लेते। राष्ट्राध्यक्ष की मीटिंग के पहले राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा अपना इंडिविजुअल प्रतिनिधि यहां पे अपॉइंट किया जाता है और इस इंडिविजुअल प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। नेपाल वाला शेरपा नहीं, शेरपा मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो 2023 के G20 समिट का भारत का जो शेरपा है वो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है जिनका नाम है अमिताभ कांत। ये सारे के सारे लोग समय समय पे मिलते रहते हैं, मीटिंग का एजेंडा तय करते हैं और उसके बाद देखो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के अवसर पर सूर्य देवता ने भी अपने ग्रुप का आग्रह दिया, थैंक यू। तो अच्छा ओके नहीं, थैंक यू, दोनों में फिर से आ जाएगा, थैंक यू। तो बच्चों सितंबर में मीटिंग होने वाली है, उसके पहले विश्व इसमें इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका इंपॉर्टेंस यह है कि विश्व की अराउंड 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय दिस G20। 70% ऑफ द ट्रेडिंग विच हैपन्स इन द वर्ल्ड दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन G20 एंड अलॉन्ग विथ दैट अराउंड 80% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन G20 एंड दैट्स वाई वॉट एवर डिसीजन आर टेकन बाई G20 इन द वर्ल्ड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऐसा नहीं है कि केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को मेंटेन करना, विश्व में जो मंदी आ रही है उसको संभालना, यही इसका कार्य नहीं है। इसके अलावा ये जो वैश्विक समस्याएं हैं, दैट में भी ग्लोबल वार्मिंग, दैट में भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, दैट में भी प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दीज प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो टेकन केयर एंड एड्रेस्ड बाय G20 कंट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, इन टूडेज वर्ल्ड व्हेन वी आर डेवलपिंग वेरी फास्ट ऑल द वर्ल्ड कंट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ G20 has become very very vital in the world, because whatever decisions are taken by G20 countries, those decisions are pathfinder, those decisions G20 countries are torch bearer in this particular thing. ऐसे नहीं है कि केवल G20 के countries ही summit में participate कर सकते हैं, कभी कभार G20 में उन कंट्रीज को भी बुलाया जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज को जो इसके सदस्य नहीं है, और उनका भी सजेशन यहां पर लिया जाता है। G20 कंट्रीज के सदस्य कौन कौन है? तो जो विश्व के सबसे इंपॉर्टेंट देश है, जरा ध्यान से सुनना इसको, कनाडा, USA, ब्राजील, अर्जेंटीना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, साउथ अफ्रीका,
उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज से इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, टर्की, उसके बाद यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 20 देश और यूरोप के सारे ईयू के सदस्य इसके मेंबर्स हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों G20 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँ कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ G20 हेल्ड इन इंडिया। तो दिस इज वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी वी हैव गॉट इन 2023। दिस इज द वेरी राइट टाइम टू शोकेस द वर्ल्ड द प्रोग्रेस ऑफ अवर कंट्री, विजन ऑफ अवर कंट्री। जो मेंबर कंट्री होते हैं वो समिट में जो होस्ट कंट्री होता है उनका सारा खर्चा होस्ट कंट्री करता है, उसका एजेंडा वो तय करता है और उसके तय किए हुए एजेंडे के आधार पर अगले एक साल तक की जो भी गतिविधियां होती है वो होती है। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार जो भी एजेंडा तय करी हुई है अगले एक साल तक पूरा विश्व के सारे कंट्री जो इसके सदस्य नहीं है वो भी इन्हीं डिसीजन के आधार पर चलने का प्रयास करेंगी। एक चीज और बता देना चाहता हूं, इसके द्वारा लिए हुए डिसीजन किसी भी कंट्री पर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वो डिसीजन ही इतने इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए, कि उन डिसीजन पे सभी जो कंट्रीज इसके सदस्य हैं और सदस्य नहीं है वो भी इस पर अमल करने का पूरा प्रयास करते हैं। बच्चों मुझे लगता है आपके लेवल पर आपको G20 की जो जानकारी होनी चाहिए वो सारी की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आप इतना भी यहां से याद करके जाओगे कि G20 ये विश्व के डेवलपमेंट और वर्ल्ड की इकोनॉमिक ऑर्डर को मेंटेन करने का एक जरिया है, एक मंच है, तो भी मेरी जो आज की ये मेरा उद्बोधन है ये सफल हो गया ऐसा मैं मानूंगा। आप सभी ने इतने कड़क धूप के बावजूद भी मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Cool, thank you, let's go.